हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आप सभी को पता है कि हम आपका पूरा सीरीज कंटिन्यू करवा रहे हैं जिसमें हमने नए सिलेबस से स्टार्ट किया हुआ है। आपके 1 सितंबर से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपका बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का सेकेंड पेपर का क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर के सिलेबस पर ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हो। आज हम सेकेंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का एजुकेशन का, तो इससे पहले की वीडियोस भी आप जाकर के देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ एक एक टॉपिक हम आपको समझाते हैं, उससे रिलेटेड एक एक टॉपिक जो हम बताते हैं कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा कुछ आपका कवर करवाने वाले हैं। आप किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं, आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आपका दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन आपका जिस भी टाइप का होगा उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर आपके सेकंड पेपर का नाम, आप बीए सेकंड ईयर में हो और आपने एजुकेशन ले रखी है, आपके सेकंड पेपर का नाम है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेज, यानी कि शैक्षिक विचार और व्यवहार, यानी कि शिक्षा को लेकर के क्या विचार दिए गए हैं और उसको व्यवहार में किस तरह से प्रैक्टिस में लाया जाए, व्यवहार में कैसे लाया जाए, उसके बारे में इसमें बात करना है। तो इसमें जो चीजें हमें बताई जाएंगी, इन एक टॉपिक को देखो, हमने 13 टॉपिक्स में इसको बांटा हुआ, 13 टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है ये 13 टॉपिक 20 टॉपिक भी बन जाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप एक दो की शिक्षा और दर्शन शास्त्र अपने आप में दोनों डिफरेंस है तो हो सकता है इसमें आपके 2 चैप्टर्स बन जाए। तो इस तरह से पूरा विस्तार में आपको समझाने वाले, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक टॉपिक अच्छे से समझाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आओ देखते हैं, जो आपका पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है शिक्षा और दर्शन में संबंध। एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, एजुकेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके कारक कौन कौन से हैं, फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके कारक क्या है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फर्स्ट टॉपिक से, एजुकेशन और दर्शन से। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्शन के ही को कई सारे पार्ट्सों में बांटा गया है, इसमें आदर्शवादी दर्शन की बात किया जाता है। आदर्श क्या होता है, आदर्श मीन एक आइडियल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को अगर हमें बताना है कि आदर्श है तो क्या होगा, आइडियल, यानी कि जिसको देख करके सारे काम किए जाए, मतलब जो हमेशा सही हो, एक ऐसा सिचुएशन लाया जाए, एक ऐसा दर्शन लाया जाए जो हमेशा मतलब एक आदर्श बना रहे, जिसको फॉलो करना इजी हो, फॉलो करना आसान हो, ऐसे दर्शन को कहते हैं आदर्शवादी दर्शन। तो आदर्शवादी दर्शन क्या है, इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके कारक क्या है, इसके प्रमुख जो चरण क्या है, कैसे कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, तो आदर्शवादी दर्शन क्या है इसके बारे में आपको बेहतरीन ढंग से बढ़ाना है, बताना है आदर्शवादी दर्शन में और दर्शन में क्या डिफरेंस है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सेकंड टॉपिक हमें आदर्शवादी दर्शन पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आपका शिक्षा में यथार्थवाद। यथार्थ मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सटीक, तो शिक्षा में यथार्थवाद क्या है, सटीकता क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या है, तो क्या है शिक्षा में यथार्थवाद, इसके बारे में पढ़ना है आपको, यथार्थवाद पढ़ना पड़ेगा, यथार्थवाद की विशेषताएं क्या है, यथार्थवाद के कारक क्या है, और उसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे वो एजुकेशन को, शिक्षा को एक वैचारिक व्यवहार देता है, कि जिस एक विचार प्रकट कर रहा है जो व्यवहार में हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें शिक्षा में यथार्थवाद का उसमें क्या भूमिका है। ओके, तो ये हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका प्रकृतिवाद की संकल्पना, यानी कि शिक्षा के या दर्शन के, शिक्षा और दर्शन के जो है प्रकृतिवाद की क्या कल्पना है, शिक्षा और दर्शन किस तरह से प्रकृतिवाद से जुड़े हुए हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार एजुकेशन क्या है और शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, इनमें संबंध क्या है, तो यह प्रकृतिवाद के हिसाब से बताना है, इनको नेचुरल अगर हम चीज़ों को देखें तो नेचुरली कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इसके बारे में बात करना है। तो प्रकृतिवाद में ये चीज़ें हैं। अगला टॉपिक है प्रयोजनवाद की संकल्पना की एजुकेशन, जो भी बातें हो रही हैं ये सभी बातें एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेज के बारे में हो रही है, यानी कि शैक्षिक विचार और व्यवहार जो कि शिक्षा और दर्शन से जुड़ा हुआ है, इसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो जो भी चाहे प्रयोजनवाद की संकल्पना हो, प्रकृतिवाद की संकल्पना हो, ये सब क्या होगा, शिक्षा और दर्शन से ही रिलेट करता होगा। तो प्रयोजनवाद की संकल्पना में शिक्षा और दर्शन की क्या में इसकी क्या भूमिका है, किस तरह से ये इन्हेंस करता है, किस तरह से इसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, किस तरह से ये व्यवहारिक जीवन को बदलने में, व्यवहारिक जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देता है, तो प्रयोजनवाद की संकल्पना के बारे में डिस्कस करना है। अगला टॉपिक है प्लेटो, रूसो, ड्यूबी और हर्बर्ट स्पेंसर, ये चारों विद्वान जो हैं इनकी क्या भूमिका है दर्शन में, इनकी क्या भूमिका है शिक्षा में, इनके जो विचार हैं, इनके जो माइंडसेट है या इनकी जो थ्योरीज हैं, ये किस तरह से दर्शन को और शिक्षा को जोड़ती हैं,
किस तरह से इनका जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो शिक्षा को इनहेंस करने में, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने में, उनके जीवन में व्यवहारवाद जो है उनसे ऐच्छिक विचार प्रकट करना कि एक विचार इन्होंने शिक्षा को लेकर के क्या विचार दिया हुआ है, प्लेटो का शिक्षा का विचार, रूसो का शिक्षा का विचार, ड्यूबी का शिक्षा का विचार, शिक्षा के विचार के पीछे इन्होंने कौन सी लॉजिक दे रखा है, उस टॉपिक के बारे में बात करना पड़ेगा इन्होंने, और किस तरह से क्या विचार दिया हुआ और इसको व्यवहारवादी किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इनके विचार जो है वो समाज में एक नई दिशा लेकर के आते हैं और उसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण से देखते हैं जिसको हम व्यवहार में प्रैक्टिस कर सकें। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है, प्लेटो, रूसो, ड्यूबी और हर्बर्ट स्पेंसर। इसके बाद आता है आपके भारतीयों का, कि भारतीयों का जो है इसमें दर्शन में क्या योगदान है, क्योंकि आप देखोगे दर्शन शास्त्र की शुरुआत आप देखोगे भारत से हुआ है, भारत से ही दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए गए, बहुत बड़ा योगदान है भारत का दर्शन के क्षेत्र में। तो शिक्षा और दर्शन में भारत के महात्मा गांधी ही हो गए, विवेकानंद हो गए, टैगोर हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, इन लोगों का शिक्षा में क्या योगदान रहा है, इनका दर्शन में क्या योगदान रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इनका शिक्षा और दर्शन में क्या योगदान रहा है, बता दीजिए महात्मा गांधी का शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में, उसमें शैक्षिक विचार देने में और उसको व्यवहारवाद बनाने में क्या योगदान रहा महात्मा गांधी का, इस पर बात करो, या महात्मा गांधी ने कोई थ्योरी दे रखी है इस थ्योरी के बारे में अच्छे से समझाओ, स्वामी विवेकानंद का जो है शैक्षिक विचार क्या है और उसका जो विचार है उसको व्यवहारवाद में कैसे लाया जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा को लेकर के क्या विचार है, शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ है, शिक्षा के बारे में उनका क्या योगदान है, शिक्षा को बेहतर बनाने में, शिक्षा को व्यवहारवाद के रूप में लाने में क्या योगदान है रविन्द्रनाथ टैगोर का, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मदन मोहन मालवीय का शिक्षा को लेकर के क्या योगदान है, उनका दर्शन को लेकर के क्या योगदान है, वो दर्शन और शिक्षा को किस तरह से देखते हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं उन्होंने दर्शन को किस तरह से शिक्षा से कनेक्टेड माना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, कि टॉपिक में आप देखो कई सारे थ्योरीज इन्होंने दिया हुआ है, कई सारे वाक्यांश हैं जिसके बारे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होने वाले उसके बाद में हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब एक टॉपिक हम पढ़ा दिया, मान लिया हमने महात्मा गांधी टॉपिक पढ़ाया, महात्मा गांधी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करवाएंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही महात्मा गांधी हम आपका कवर करवाएंगे उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है वो सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं। तो ये हैं कुछ टॉपिक्स जिन टॉपिक्स में अगर आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं मैक्सिमम में यही होगा, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं प्लीज एक बार अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जाकर के एक बार चेक जरूर करो, वेबसाइट पे विजिट करो, जाओ सिलेबस देखो, अगर ये चीज़ें मैच करती हूँ तो डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में हम इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यही सारे टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और एक एक के बारे में अच्छे समझाएंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको प्लेटो, तो प्लेटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सारा कुछ कवर करवाएंगे, इससे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता हो आप इजिली वो चीज़ें कर सको। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वांटेड चैनल, इफ यू आर इन बीए एक बार जाकर के विजिट जरूर करना, ऑलरेडी 1350 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं इस चैनल पर आपके बीए से रिलेटेड, तो एक बार जाकर के विजिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप ये वीडियो मुझे मेरी बाद में देख रहे हो, यानी कि मैं सितंबर में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी है आज 7 सितंबर, तो अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो 2 महीने 4 महीने बाद, तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लेना, मैं ये बात हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, जहां आपको पूरा एक सीरीज में मिल जाएगा चीजें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जरूरी है वो सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पर पूरा सीरियल वाइज मिल जाएगा, सीरियल में जब रहेगा, सीरियल जैसे होता है ना सीरीज एक एक पार्ट्स, इस तरह सीरीज वाइज जब आपको मिल जाएगा तो आपको पढ़ने में काफी आसानी हो जाएगी। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हो लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि आपकी वजह से किसी और की हेल्प हो सके, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, अलग अलग ग्रुप्स हो आप चलाते हो उसमें शेयर करो, ताकि और भी लोगों की आपकी वजह से हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।